अस्सलाम वालेकुम या अलल कबूर। अबे क्या बोल रहा है, मैं तो जिंदा हूँ। बाबा जिस तरह हमारे मुल्क के हालात चल रहे हैं, तुम अपने आप को मरा भाई समझो। ओह नो, क्या बोल रहा है बे? से वालेकुम सलाम या दफा दूर, कौन हो तुम? बाबा हुमायूं प्रधान नाम है हमारा, दूध बेचता है, लाओ दूध के पैसे दो। दूध के पैसे? अबे हमने तो तुमसे कभी दूध लिया ही नहीं है। साहब आप दूध लो या ना लो, पर मेरी भैंस तो दिन में 3 बार प्रॉपर दूध देती है। एक काम करो, आप अपनी भैंस का नंबर मुझे दे दो, मैं उसको समझा दूंगा कि जब तक मैं दूध ना मांगू वह दूध ना दे। साईं ये तो मैं भी समझाता हूँ उसको, पर क्या करें, खर्चा भी तो पूरा करना होता है। किसका? भैंस का? नहीं साईं, बीवी का। वक्त पे चारा मांगती है। कौन? बीवी? अरे नहीं साईं, भैंस। एक दिन भी ऊपर हो जाए साईं लात मारती है। कौन? भैंस? अरे नहीं बाबा, बीवी। और साईं पता है आपको, एक बार तो इसने मेरे गर्दन पे पैर रख दिया। किसने? बीवी ने? नहीं बाबा, भैंस ने। फिर मेरे को आया गुस्सा, मैंने भी एक रख के थप्पड़ दे दिया। किसको? भैंस को? अरे नहीं चरिया, बीवी को। फिर क्या बाबा, नाराज होके वो अपने घर चली गई। कौन? बीवी? अरे नहीं बाबा, भैंस। फिर वहां से अपने भाइयों को लेकर आ गई। कौन? भैंस? अरे नहीं पागल है, बीवी। बाबा असल में बात ये है ना कि वो मेरे को इनाम में मिली थी। कौन? बीवी? अरे नहीं चरिया, भैंस इनाम में मिली थी, इसीलिए साईं मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। किससे? भैंस से? अरे नहीं बाबा, बीवी से। 4 बच्चों की माँ है। कौन? बीवी? अरे नहीं बाबा, भैंस। अबे ओए बात सुन, अब ये ले तू दूध के पैसे और निकल इधर से, चल। ये पैसे हम किसको देवे? अबे अपनी बीवी को दे दे। बाबा एक बात बताओ, ये दूध कौन देता है? भैंस। तो पैसे भी हम भैंस को ही देगा? अबे निकल, जिसको भी देने दे दे, निकल। फिर साईं दूध देने कब आऊं? अबे भाई तू एक काम कर, जब मैं मर जाऊं ना तो मेरी कब्र पे दूध देने आ जाइयो। ठीक है साईं। कौन सा कब्रिस्तान, मेवाशाह या धोबी घाट? अबे तेरी बे।